नमस्कार, आप देख रहे हैं दादस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसदों की बैठक में फिर उठी राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी सांसदों के साथ कोरोना महामारी और देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा कर रही थी। इसी दौरान कई सांसदों ने ये मांग की कि राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। आपको बता दें कि ये बैठक वर्चुअल बैठक थी। मुंबई के धारावी में टूटी कोरोना ट्रांसमिशन की चैन, WHO चीफ ने की तारीफ। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने कई देशों की तारीफ की है जिन्होंने कोरोना वायरस पर लगाम कसने में अच्छी सफलता पाई है। इन देशों में इटली, स्पेन और दक्षिण कोरिया के नाम हैं। इसके अलावा एक नाम मुंबई स्थित दुनिया के सबसे बड़े स्लम धारावी का भी जिक्र है। राजस्थान सरकार को गिराने की साजिश, जाँच कर रही SOG दर्ज करेगी गहलोत सरकार के बयान। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 विधायकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। बता दें कि अशोक गहलोत ने अपनी सरकार गिराने की साजिश पर खुलासा करने का दावा किया है। इसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने BJP के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया जिन पर कांग्रेस के विधायकों को प्रलोभन देने का है आरोप। युवाओं का भविष्य बचाने को केजरीवाल ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करे सरकार ताकि छात्रों में परीक्षाओं को लेकर बनी अनिश्चितता समाप्त हो जाए। उधर दिल्ली सरकार ने कोरोना के कारण उसके तहत आने वाले सभी विश्वविद्यालयों की आगामी सभी सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाएं रद्द करने का कर सकते हैं फैसला। बिहार के पूर्णिया में एक चौक का नाम बदलकर दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा गया। यहां की मेयर सविता देवी ने कहा कि सुशांत के नाम पर चौक का नाम रखकर उनको श्रद्धांजलि दी गई है। बतौर सविता, मधुबनी से माता चौक जाने वाली नवनिर्मित सड़क को भी सुशांत सिंह राजपूत रोड के नाम से जाना जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में शहर के पुलिसकर्मियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। कोलकाता में लगभग 550 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं और 2 की मौत हुई है। वहीं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष अभिषेक डालमिया ने कहा, प्रशासन की मदद करना हमारा परम कर्तव्य है। हवाई यूनिवर्सिटी और क्यूटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि पृथ्वी का पूरा वायुमंडल अनुरूपता में कंपन पैदा कर रहा है। ये संगीत भूमध्य रेखा से होकर पृथ्वी पर पर्यावरणीय दबाव की व्यापक लहरों के रूप में है। बतौर शोधकर्ता, इनमें से प्रत्येक लहर वैश्विक वायुमंडल का ऐसा कंपन है जैसे घंटी के बजने पर होता है। बाघों की गिनती में भारत ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, आबादी भी बढ़ी। ये गणना साल 2018 में हुई थी। इस गणना के लिए कैमरा ट्रैप को 139 स्टडी साइट्स पर 26,760 अलग अलग जगहों पर रखा गया था। इससे लगभग 3.5 करोड़ तस्वीरें ली गई जिसमें 76,523 बाघ और 51,337 तेंदुए की तस्वीरें मिली हैं। इसके हिसाब से भारत में विश्व के कुल 75% बाघ हैं। राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक की तैयारी में फेसबुक, अमेरिका में चुनाव से पहले हो सकता है फैसला। ये प्रतिबंध अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले लगाया जा सकता है। फेसबुक के अंदर इस मुद्दे पर चल रही चर्चा से जुड़े 2 करीबी लोगों ने बताया कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि सियासी विज्ञापनों पर रोक लगाने के मसले पर चर्चा गत वर्ष के आखिर से चल रही है। अमेरिका में भारतवंशी सर्जन की टीम का एक और कमाल, कोरोना मरीज के दोनों फेफड़ों का किया सफल प्रत्यारोपण। शिकागो के नॉर्थ वेस्टर्न मेमोरियल हॉस्पिटल के अनुसार ये सर्जरी पिछले सप्ताहांत में की गई। 60 वर्षीय इस मरीज को दोनों फेफड़े खराब हो जाने के कारण 100 दिनों तक ECMO नाम के लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। ये मशीन हृदय और फेफड़े का काम करती है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें दादस्तक 24 के साथ। खबरें हमारी वेबसाइट www.dadastak24.com पर देख सकते हैं। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।